सो हे गाइस, आप सभी का ही स्वागत है फिर एक बार पवास सीट कोर्स में। तो आज हम देखने वाले थंडरबर्ड का सीट है। ये बकेट सीट बनाया है सर ने अंधेरी से, मुंबई अंधेरी से, परफेक्ट सीट उनका नाम है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि उधर से बना लिया सीट, पर अभी क्या हो रहा है सर को, उधर पैर की जगह है ना, मतलब जांघों में दर्द होने लगा है। अभी जांघों में ना दर्द होने लगा है क्योंकि सीट बहुत ही ब्रॉड हो गया है। वो जिन्होंने बनाया वो बराबर बनाया है, पर अभी लॉन्ग राइड के लिए अच्छा बनाया है, पर अभी क्या हो गया है, सर की हाइट भी उतनी नहीं है जैसे ये बकेट बनाया है। उस टाइम कुछ लगा नहीं होगा क्योंकि मुंबई से पुणे बहुत ही लॉन्ग रूट है, तो उनको अच्छा लगा होगा उस टाइम। पर अभी क्या हो गया है, उनको जांघों में बहुत ही दर्द हो रहा है, मतलब उनके पैर है ना जमीन पे नहीं आ रहे, वो हवा में भी लटकते हैं। तो इसी का काम हम काम करने वाले हैं। जिन्होंने सीट बनाया उनका प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने बनाया बकेट बहुत ही अच्छा बना है, पर अभी सर को क्या प्रॉब्लम हो रहा है यही देखना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे आते हैं, यही ऐसा ही सीट बनाने का है, ऐसा ही बकेट चाहिए, पर उनको पता नहीं प्रॉब्लम क्या हो जाता है बाद में। आपका हाइट उतना नहीं रहता तो उस टाइम बहुत ही अच्छा लगता है लॉन्ग रूट के लिए, पर बाद में जो आप ट्रैफिक में फंस जाएंगे तो आपको बहुत ही जांघों में दर्द होने लगता है, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है, अपने जो सेंटर में बहुत ही प्रॉब्लम आता है। तो हर कोई ऐसे आता ही है हमारे पास कि ऐसा ऐसा कर दो, पर करने के लिए प्रॉब्लम नहीं रहता। डोमिनर गाड़ी आता है, ऐसा थंडरबर्ड गाड़ी आता है, उनको ऐसा बकेट करने में प्रॉब्लम नहीं है हमको, पर ये बाद में ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि आपके पैर नहीं आते, ये होता है, दर्द होता है। तो जो भी है आगे वाले प्रॉब्लम है हम पहले ही बता देते हैं। हमको तो ऐसा काम करने में कोई ही प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारे पास वो बार बार कस्टमर आ जाएगा, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, तो इसलिए हम ज़्यादातर ऐसे बकेट नहीं बनाते। तो आज हम देखने वाले हैं कैसे हम बकेट का शेप चेंज करने वाले हैं, ये क्योंकि सर के जो पैर है वो ज़मीन पे अच्छी तरह से नहीं आ रहे हैं। तो जो भी हम काम कर रहे हैं बहुत ही बारीकी से और ध्यान से देख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। जिन लोगों का हाइट कम है ये बकेट सीट ना बनाए, मैं पहले तो बात यही कहता हूँ आपको। जिनका हाइट कम है, आपकी गाड़ी का हाइट भी ज़्यादा है, बकेट भी बना रहे आप, बकेट से क्या होता है जो आपके कंफर्टेबल रहता है, पर लॉन्ग रूट के लिए कंफर्टेबल रहता है। सिटी में आप गाड़ी चलाएंगे, बार बार ब्रेक दबाने पड़ेगा, बार बार पैर नीचे करना पड़ेगा, तो बहुत ही प्रॉब्लम आ जाएगा। अभी ये हम इतना खर्चा किया होगा सर ने, कितना 2-3 हज़ार समझो, 4 हज़ार समझो, पूरा बर्बाद हो गया समझो, क्योंकि उस टाइम अच्छा लगा, पर बाद में अभी सिटी में चला रहे, इधर बहुत ट्रैफिक है, मुंबई में भी ट्रैफिक है, पर आप हाईवे में चलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी चेक कर रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है सर को, तो और थोड़ा हम काटने वाले हैं, जगह पे ही काटने वाले हैं, पूरे प्रॉपर पैर जमीन पे आने वाले चाहिए, और फोम भी थोड़ा सा हार्ड हो गया है अभी, तो इसलिए उनको जलन भी होती है। तो ये क्या फॉर्म तो चेंज नहीं कर सकते, तो जो प्रॉब्लम है नॉर्मल पैर का हम वो सॉल्व कर देंगे। अभी जगह पे ही सब काट रहे हैं हम। अभी सर को वही बोला कि जब बनाए आपको उस टाइम दिक्कत नहीं होता होगा, क्योंकि लॉन्ग रूट है ना आपका, पूरा पुणे से मुंबई 150-200 किलोमीटर होगा, तो उस टाइम कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, पर अभी सिटी में चलाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो बोले मेरे को भी प्रॉब्लम हो रहा है अभी, और मेरे लड़के को भी प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए ये अच्छी तरह से शेप दे दो, नहीं तो फॉर्म चेंज कर दो। तो फॉर्म तो जो भी मिलेगा
अपने पास अवेलेबल नहीं रहता ज्यादातर थंडरबर्ड का, तो इसको हम शेप दे रहे हैं। तो पीछे का सीट का कुछ प्रॉब्लम नहीं था, जो भी बैठेगा वो अच्छी तरह से ही बैठेगा, तो उसका तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने ऐसा कट किया है फोम, फाइनल फिनिशिंग के लिए अभी जाएगा। और सर बोले उसको कवर जो है पहले वाला वही डाल दो, तो वही कवर हमने डाल दिया है। ऐसा बकेट का प्रॉब्लम आता है, आप देख लो जिसका हाइट कम है वो ऐसे बकेट सीट ना बनाए। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिए, थैंक यू सो मच।